चकरा गए ना, ये न्यूज चैनल है या कीर्तन मंडली? ठहरिए जरा, आप पहले भक्ति देखिए। दिल नहीं भरा, अब अखंड भक्ति देखिए। पेड़ भी जगमगा रहे हैं क्योंकि प्रभु राम आ रहे हैं। ये रूबिकन लिया भी गई। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम। और फिर प्रवचन सुनिए। नहीं, अभी आप नहीं समझे। This will also be arguably the biggest day in the life of Prime Minister Narendra Modi, who has worked tirelessly as a swayamsevak and through his journey really sought to be the embodiment of Hindutva and Sanatan Dharma. क्या हुआ? समझ नहीं आया? चलो हिंदी में समझा देते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, जब मीडिया बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के मरने पर बाथटब में बैठ सकती है, चांद की कवरेज के लिए दीपक चौरसिया पन्नी से बना स्पेस सूट पहन सकते हैं, तो ये फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी? आपने सही सोचा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? क्या वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिखा रहा था? फिर से देखिए, देखिए इन तस्वीरों को। मोदी जी आ रहे हैं या श्री राम जी आ रहे हैं? यहाँ भी मोदी जी, वहां भी मोदी जी। जहाँ मोदी नहीं वहां योगी जी, योगी मोदी, मोदी योगी। कुछ याद आया? घर घर मोदी, हर घर मोदी। मगर राम कहाँ है? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। राम जिनके लिए धर्म में कहा गया कण कण में समाये हैं, मन मन में समाये हैं, वो मोदी जी की उंगली पकड़े जा रहे हैं। मोदी जी का कद बड़ा है और राम जी का छोटा। ये है आईटी सेल, ये है मीडिया मैनेजमेंट, ये है पोलराइजेशन, ये है राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। पॉलिटिक्स, यही है राजनीति। मगर टीवी मीडिया क्या दिखा रहा है? कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर। रामनीति वर्सेस राजनीति, सियासत में बड़ा हिंदू कौन छोटा कौन? मुद्दा जब राम का भी हो तो मोदी बीच में आ जाते हैं, यही है विपक्ष की दिक्कत। मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है। इस बात पर चारों शंकराचार्य भी सवाल उठा चुके हैं कि मंदिर के पूरी तरह बने बिना प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर भगवान का शरीर होता है और शरीर के सभी हिस्से मौजूद हों तभी उसमें प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म के विधि विधानों से किसी को क्या मतलब? मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। असल पॉलिटिक्स ये है, चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन। और कमाल देखिए, गोदी मीडिया को ये बात समझ नहीं आ रही है लेकिन विदेश में बैठी मीडिया को समझ आ चुकी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव से पहले भारत के सबसे विवादास्पद धार्मिक स्थलों में से एक मंदिर के उद्घाटन से नरेंद्र मोदी की राजनीति को बड़ी रफ्तार मिलेगी। वो रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में है, वो हिंदुओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है जो भारत की आबादी का 80% है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, अयोध्या में हिंदू कट्टरपंथियों की ओर से एक मस्जिद गिराए जाने के 3 दशक बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जगह भव्य हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। ऐसा करके वो अगले लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू कर रहे हैं और इसमें धार्मिक राष्ट्रवाद अहम भूमिका अदा करेगा। मंदिर के पूरी तरह बन जाने से पहले उद्घाटन क्यों, ये सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया बन गया गूंगी मीडिया। और हाँ, गोदी मीडिया को इसे दिखाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है क्योंकि ये दिखाने से उनको सरकारी एड्स नहीं मिलेंगे और उनको अपनी दुकान चलाना भारी पड़ जाएगा। मोदी जी के साथ वो सेल्फी नहीं ले पाएंगे, मोदी जी के इंटरव्यू उन्हें नहीं मिलेंगे, वो इंटरव्यू जिसमें वो पूछ सकें कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं। इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरी तरह मीडिया ने मोदीमय कर दिया है। अब जब पूरा आयोजन घोर राजनीतिक अड्डा बन गया तो ये कैसे संभव है कि उसमें विपक्ष भी शामिल होगा? जैसे ही विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा से मोदी प्रतिष्ठा बने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया, गोदी मीडिया ने उसे प्रोजेक्ट कर दिया। मोदी का प्राण विपक्ष जाने से इनकार करे तो पॉलिटिक्स। अगर मीडिया खुद ही राम की जगह बीजेपी के नारे लगाने लग जाए तो वो पॉलिटिक्स नहीं है। आप खुद देखिए, जो काम बीजेपी को करना था वो कैसे टीवी चैनल्स चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं ताकि आप लोग मान सकें कि विपक्ष हिंदू नहीं है, राम भक्त नहीं है, हिंदू विरोधी है। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर।
जब राम का भी हो तो मोदी बीच में आ जाते हैं, यही है विपक्ष की दिक्कत। राजनीति करने के लिए हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं ने, हमारे देश का मीडिया ही कितना ज्यादा डेंजर है, कुछ ऐसी राजनीतिक दल है जो भगवान श्री राम के नाम को लेकर कैसी सियासत कर रहे हैं। गिने चुने पत्रकार हैं जो सच के लिए खड़े होते हैं, जर्नलिस्ट ओबी वैन पर पुतवा डाले, जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिखाने के लिए नहीं बल्कि चुनाव कवरेज के लिए हो। ऐसा लगता है अब की बार चुनाव में खुद चैनल उतर रहे हैं और चुनाव चिन्ह राम मंदिर है। मीडिया भी ये सब क्यों ना दिखाए जब श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को श्री राम के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ही भगवान विष्णु का अवतार नजर आने लगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, नॉट ए मैन, उससे वो ऊपर है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हम इन सवालों में जाते हैं तो मालूम होता है नॉट ए मैन मीडिया का प्रधानमंत्री मोदी को इस अवतार तक पहुंचाने में। देखिए कैसे बदलाव आया। हम आपको एक और बहुत बड़ा बदलाव इस देश का दिखाते हैं। ये अंकल तो बहुत ये भाई साहब ना सिर्फ अलग लेवल है। आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। पालतू जानवर सरकारी आवास में पलते हैं और ठंड के मौसम में लोग फुटपाथ पर सोते हैं, रैन बसेरों में रात गुजारते हैं, मगर वो लोग हैं और ये हैं पालतू जानवर। तो आप खुद में और पालतू जानवर में फर्क करना समझ लें। आपको रोजगार मिला या नहीं, आपके पास छत है या नहीं, कोई परवाह नहीं, बस पालतू जानवर सरकारी आवास में पलना चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं और गोदी मीडिया को वही सही बताना होगा। अब चाहे केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड करें, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में माँ काली टेम्पल जाएं, मगर गूंगी मीडिया को ये साबित करना है कि सब नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राम नीति तो बस एक ही आदमी कर रहा है और वो है मोदी जी। मोदी जी को क्रेडिट जो देना है, आप खुद देखिए न्यूज़ 24 के पत्रकार की मासूमियत तरस आ जाएगा बेचारे पर। ये बेचारे करें भी तो क्या करें, आदेशों का पालन जो करना है। परेशान है बेचारा कैसे शंकराचार्य से कहलवाएं कि राम मंदिर सिर्फ मोदी जी की कोशिशों से ही बन रहा है, शंकराचार्य की जबान से ज़बरदस्ती बुलाने में लगे हैं। लाचारी देखिए आप मीडिया की। जर्नलिस्ट ने पूछा आप राम मंदिर बनाने का क्रेडिट किसे देंगे, तो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनको बताने लगे, मगर मीडिया को तो वो सब सुनना ही नहीं, बस मोदी जी का नाम लिया जाए। 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया है, उनको नहीं भूल सकते। के नैयर, रामचंद्र परमहंस, अभिराम दास, नरसिंहा राव, नरेंद्र मोदी को उसी तरह से। अब तो हम तो सिक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है और बाकी कई हम जितना कहना चाहते हैं उनका छूट गया। नहीं आप कई हम नहीं कहना चाहेंगे। देश में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बड़े अच्छे से समझाते हैं, खुद सुनिए। आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं, तो बस मोदी मोदी करिए। और अगर गलती से ये पूछ लिया कि अब तक क्या किया, तो फिर मोदी जी की जगह जय श्री राम बोल देना। साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम, वंदे। मामला हो गया टफा दफा, बात खत्म। अब चाहे मसला हेट स्पीच का हो, चाहे करप्शन का हो, कुछ भी हो, सब जगह बस जय श्री राम बोल देने से बात खत्म हो जाएगी। यही हाल हो चला है टीवी मीडिया का, खबरों को दबाया जा रहा है। इसराइल ने 10,000 मजदूर भारत से मांगे तो हरियाणा में रोजगार मेला लगा, उसमें पहुंच गए लाखों लोग। इसराइल और गजा में युद्ध चल रहा है, फिर भी लोग वहां जाने को तैयार हैं, क्यों? क्योंकि बेरोजगारों का कहना है हमास के जंग में मरने से डरने लगता है जितना इंडिया में रहकर भूख से मरने में लगता है। ये खबर न पाकिस्तान के खिलाफ थी, न विपक्षी पार्टियों के, लिहाजा न किसी ने DNA किया, न किसी ने हल्ला बोल किया, न किसी ने वाट लगाई, क्योंकि ऐसा करने पर तो परम आदरणीय महामानव कथित विष्णु अवतार से सवाल पूछना पड़ जाता। लिहाजा आपको 25 बड़ी खबरें दिखाई जा रही हैं। क्या हैं वो 25 बड़ी खबरें? प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान, 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगल गान, स्थानीय महिलाओं ने गाए राम भजन। राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और मोदी मोदी, इन 25 खबरों में अंजना ओम कश्यप ने 14 तो राम मंदिर पर दिखाई, 2 खबरें बीजेपी की अपोजिशन पर अटैक की थी, 2 खबरें अपोजिशन की बीजेपी पर अटैक की थी और 7 खबरें अदर थी। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, आप रिमोट उठाइए, टीवी ऑन कीजिए, सब जगह सिर्फ मंदिर मंदिर ही दिखाई दे रहा है। जय श्री राम के नारों में रोटी के सवाल गुम हो गए, और जो कोई सवाल उठाएगा वो राम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। लिहाजा विपक्ष ने भी सवाल पूछने से खुद को रोक रखा है, क्योंकि सारा खेल यही है कि विपक्ष जैसे ही बोले उसे राम विरोधी साबित करो, ताकि 2024 का इलेक्शन
ना बेरोजगारी पर रहे, ना करप्शन पर रहे, ना महंगाई पर रहे, ना आर्थिक खर्चों पर, विफल हो रही सरकार पर रहे, ना देश पर चढ़े कर्जों को लेकर के बात हो, बस जय श्री राम बोलें और ईवीएम का बटन दबाकर विजयी बनाएं। और अगर थोड़े बहुत लोग न माने तो उन्हें फिर पाकिस्तान का एंगल दिखाएं, कर्जे की बात आए तो पाकिस्तान का हल दिखाया जाए कि कैसे पाकिस्तान कर्जे में दबकर दिवालिया हो रहा है, महंगाई दिखाई जाए तो पाकिस्तान की दिखाई जाए, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है तो पाकिस्तान की दिखाई जाए। अपना टीवी मीडिया जादूगर हो गया है, जो चाहे वो तमाशा करके दिखा रहा है। अब देखिए क्या दिखाया जा रहा है कि मोदी जी की वजह से पाकिस्तान में राम राम होने लगा। कल तक दिखा रहे थे वहाँ हिंदू सेफ नहीं है, अब मोदी जी की वाह वाह करने के लिए दिखाने लगे कि वहाँ भी जय श्री राम गूंज रहा है। टीवी मीडिया मोदी जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चंद्रमा 2 मिशन को लेकर भी पाकिस्तान को जबरन घसीटा गया था, टीवी चैनलों ने तब भी अपने लोगों को बताया था कि भारत ने क्या क्या हासिल किया और पाकिस्तान ने क्या नहीं हासिल किया है। एबीपी न्यूज़ की हेडलाइन थी, पाकिस्तान आतंकी ही बनाया गया, चांद पर भी कभी जाएगा। आज तक ने कहा था, हम जीत रहे आसमान, रोता रहे पाकिस्तान। इंडिया टीवी ने टाइटल दिया था, चांद पर हिंदुस्तान, पाताल में पाकिस्तान। अब आप टीवी कवरेज देखिए, कैसे हिंदुत्व में जकड़ा जा रहा है। सिर्फ टीवी नहीं, इस काम में बीजेपी समर्थित अखबार भी लगे हैं और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब आप खुद तय कर लें, आपको कैसे भ्रम में रखा जाता है, कैसे आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है, कैसे आपके दिमाग को मॉडिफाई नहीं बल्कि मोडिफाई किया जा रहा है। लिहाजा आप ठहरिए, शांत दिमाग से सोचिए और फिर तय करिए, कहीं आप किसी के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन गए हैं। धर्म अपनी जगह है, ये कहते हैं ना कि दुनिया के दूसरे हिस्से से इन्वेडर्स आए और राम का मंदिर तोड़ दिया, वो खुले में पड़े रहे। हाँ, ये सच है, दुनिया भर से लोग आए और मंदिर तोड़े, किलों को ध्वस्त कर दिया, भगवान के घरों को तोड़ा, मगर राम जी एक जगह हमेशा महफूज रहे, जिसे दुनिया का कोई बादशाह, कोई आक्रांता नहीं भेज सका, उस जगह को नुकसान नहीं पहुंचा सका, और वो है हिंदुस्तानियों का दिल, हमारे हृदय, जहां जय श्री राम नहीं है, जय सियाराम है, जहां फर्जी गुस्सा और गंवारपन नहीं है, सौम्यता है, सम्मान है, अपनापन है, जहां राम का नाम किसी को डराता नहीं बल्कि सिखाता है आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, त्याग करना, माता पिता की सेवा करना और दुष्टों का संहार करना। मगर विडंबना यही है कि आज लंपटों के हाथों में हम अपने धर्म की ध्वजा थमा रहे हैं। काश हमारे हिंदू भाई ये सब चीजें समझ जाएं, वाले इन लंपट बेरोजगार राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को राम भक्त बता रहे हैं। ऐसी मीडिया और ऐसे नाटक वाले देश का राम ही भला करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। कमेंट कर सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। जल्द मिलते हैं, नमस्कार। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन। रोहित भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। आई रियली विश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो आजकल बहुत ही वायलेंट हो चुके हैं हर चीज़ को लेके, वो एटलीस्ट थोड़ा सा हमारे रोहित भाई जैसे सोच रखें। लाइक ही इज़ हिंदू ना, मतलब वो भी तो हिंदू है, बट वो किस कितने लॉजिकली, कितने अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, है ना। क्योंकि यार, एक मुसलमान को क्या पड़ी है कि आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अल्लाह की कसम, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें इससे होती है जब आप हमारे अल्लाह के बारे में कुछ बोलते हो, जब आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोलते हो, या हमारी मस्जिदों के बारे में बोलते हो। नहीं तो हमें क्या मसला है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अच्छे से, जीने दो यार, क्या मसला है यार। पर नहीं, क्योंकि राजनीति होती है धर्म से हमारे देश में। जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी जो हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय, वो कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि जो पिछला 5 साल से हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा नेता है, हमारे इलाके का MLA है या फिर जो है, उसने क्या क्या काम किया। कभी भी एनालाइज नहीं करेंगे उस चीज़ का, कभी भी ये नहीं देखेंगे उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया। बस राजनीति जो होती है वो होती है धर्म से, दैट्स इट। और हमारा गोदी मीडिया का तो क्या कहना। ओ भाई, उनकी न्यूज़ जब हम सुनते हैं ना, मतलब दिमाग गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। भाई क्या बोल रहे हैं वो, किस तरह से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दीज आर अवर नेशनल मीडिया, मतलब हमारे देश का ये नेशनल मीडिया है जो सबको मतलब ऐसी खबरें दिखा रहा है जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, जिसकी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यार, हिंदुस्तान के नागरिकों को खाना चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उनको स्कूल्स चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, ये सब चाहिए उनको। बट हर चीज़ दबाई जाती है,
आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गोदी मीडिया के बारे में जज़ाकअल्लाह खैर।